हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिनंदन मैथ। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मॉर्निंग सुबह 8 बजे ग्रैंड फेस की क्लास और मॉर्निंग सुबह 11 बजे मैथ्स की क्लासेस होती हैं, जो प्रीवियस ईयर आए क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों, जैसा कि बात करते हैं हम लोग करंट अफेयर्स की, जो करंट अफेयर्स की वेटेज काफ़ी ज़्यादा है आज से जितने भी गवर्नमेंट के एग्जाम्स हैं सभी में। दोस्तों, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर के टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप को। दोस्तों, आपको वहां से पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है आपका, हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने किसको एकमात्र राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी NED के रूप में नामित किया है? रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस डेवलपमेंट हैज़ डिजाइनेटेड एज द सोल नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी NED के रूप में जो है किसको नामित किया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने जो है डिजी लॉकर को, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, डिजी लॉकर को जो है एकमात्र राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी के लिए जो है NAD के रूप में क्या है नामित किया गया है। और उन्होंने मंत्रालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को डिजी लॉकर के भीतर एक स्थायी योजना के रूप में क्या है NAD को लागू करने का निर्देश भी दिया हुआ है। और UGC को एक शैक्षणिक पुरस्कारों के हस्तांतरण और छात्र खातों के निर्माण और डिजी लॉकर के सत्यापन की क्या है प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए भी कहा है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। और बाकी आपको जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने जो है जो एकमात्र राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी के रूप में जो है डिजी लॉकर को नामित किया है। तो चलिए बात करते हैं डिजी लॉकर के बारे में। ये एक आपका डिजी लॉकर एक ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडेड है जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में जो है काम करता है। और ये जो है डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के तौर पर से जो है लॉन्च किया गया था 2015 में। ठीक है, और इसमें क्या है कि डिजी लॉकर जो है प्रोवाइड क्या करता है आपके अकाउंट को जो क्लाउड अकाउंट को वहाँ पे स्टोर करता है इंडियन सिटीजन्स टू एक्सेस ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स, जो कि ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स को जो है या सर्टिफिकेट को जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस और व्हीकल रजिस्ट्रेशन, एकेडमिक मार्क्स जैसे आप 10th 12th की मार्कशीट भी आप यहाँ पर रख सकते हैं, और फॉर्मेट कुछ भी हो ओरिजिनल इशूज पे अगर कुछ भी चीज़ें आप जो हैं DL वगैरह आप सर्टिफिकेट आप वहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं कि मतलब कैसे ये वर्क करता है। तो इसे क्या पहले डाउनलोड एंड इंस्टॉल डिजी लॉकर ऐप, फिर साइनअप करेंगे किसी भी चीज़ से, फिर सिंक करेंगे अपने आधार से। ठीक है, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा रिक्वेस्ट के बाद। ठीक है, आपका डॉक्यूमेंट क्या यहाँ पे फेच होगा, उसके बाद शेयर डॉक्यूमेंट्स एंड उसको वेरीफाई होकर के आपका जो है स्टोर कर लेगा वो। ठीक है, होपफुली आपको डिजी लॉकर के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। हम लोग जो है फैक्ट के साथ और एक्स्ट्रा भी हम लोग जो है सीखते चलेंगे साथ ही साथ। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर करें। तो चलिए, तो फिर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है आपका, USAID ने भारत को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एक सहायता की घोषणा की है। USAID हैज़ अनाउंस्ड अ एड टू इंडिया टू फाइट कोरोना वायरस। जो USAID है वह जो है इंडिया को जो है कितना रुपए दिया है, कितने रुपए की सहायता की घोषणा की है। जो अमेरिकी सरकार अपनी सहायता एजेंसी USAID, जो उनकी सहायता एजेंसी का नाम क्या है USAID, वो जो है कितने रुपए की जो है अनुदान देने की घोषणा की है भारत को। $2.9 मिलियन का जो है अनुदान देने की क्या है घोषणा की है ताकि कोरोना वायरस महामारी से लड़ने में मदद कर सके। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, $2.9 मिलियन। और USAID क्या करता है, रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र CDC और अन्य संबंधित एजेंसियों के माध्यम से जो है अमेरिकी सरकार महामारी की देश की प्रतिक्रिया का समर्थन के लिए और इसके भारत के साथ मिलकर क्या है काम भी कर रहा है। और इसलिए USAID ने जो है अमेरिकी सरकार के द्वारा
ठीक है, भारत को जो है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए 2.9 मिलियन डॉलर की सहायता की क्या है घोषणा किया है। समझ में आ गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। आपको नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देश पिछले साल दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट के लिए आवेदनों का सबसे बड़ा स्रोत था। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वॉज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एप्लीकेशंस फॉर इंटरनेशनल पेटेंट्स इन द वर्ल्ड लास्ट ईयर। तो ये आपका कौन था, ये आपका जो राइट आंसर हो जाएगा चाइना। ठीक है, चाइना जो है पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट फाइलिंग में विश्व पर अग्रणी बन गया, सबसे नंबर वन पे था, जिसने जो है संयुक्त राज्य अमेरिका को क्या पीछे भी छोड़ दिया था, और जिसने चार दशकों से, ठीक है, चार दशकों से अधिक तक समय पर जो है शीर्ष पर क्या है काबिज किया हुआ था। और बात करते हैं हम लोग, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने जो है क्या किया है, अपनी वार्षिक रिपोर्ट में, रिपोर्ट जो था उसका, जो वार्षिक जो रिपोर्ट था उसमें पिछले साल 265,800 अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट आवेदन दर्ज किए थे, जिसमें से 2018 में से जो है 5.2% की क्या है बढ़ोतरी हुई है, 5.2% की क्या है इंक्रीजमेंट हुई है। ठीक है, और जैसा कि बता दें आपको जो है 58,990 आवेदनों के साथ चीन पहली बार जो है रैंकिंग में सबसे ऊपर था। चीन इस आवेदन के साथ जो है सबसे रैंकिंग में नंबर वन पे था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस एयरलाइन ने भारत की पहली कार्गो ऑन सीट उड़ान का संचालन किया। विच ऑफ द फॉलोइंग एयरलाइन ऑपरेटेड द इंडियाज फर्स्ट कार्गो एंड सीट फ्लाइट। कार्गो ऑन सीट फ्लाइट जो है पहली बार जो है किसने किया है। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है स्पाइस जेट ने जो है देश की पहली कार्गो ऑन सीट फ्लाइट संचालित की, जो महत्वपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा आपूर्ति को क्या है संचालन करती है, और इसने जो है विभिन्न राज्य सरकारों और फार्मा कंपनियों की ओर से दिल्ली से चेन्नई, चेन्नई से सूरत, चेन्नई से मुंबई, मुंबई से दिल्ली मार्ग पर क्या है बोइंग 737NG यात्री विमान जो है तैनात किए हुए हैं। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, चेन्नई से सूरत, सूरत से चेन्नई, चेन्नई से मुंबई, मुंबई से दिल्ली, और दिल्ली मार्ग पर जो है बोइंग 737NG यात्री विमान जो है तैनात किए हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका, न्यूयॉर्क में कोविड-19 के कारण भारतीय अमेरिकी ब्रह्म कांची बोटला का निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध थे, वह प्रसिद्ध क्या थे बताइए, वह एक प्रसिद्ध जर्नलिस्ट थे। ऑप्शन नंबर डी पत्रकार थे, वो एक प्रसिद्ध पत्रकार थे। भारतीय अमेरिकी पत्रकार ब्रह्म कांची बोटला जिनका निधन हो गया कोविड-19 की वजह से हुआ है, और यह जो है महामारी भारत में भी जो है काफ़ी तेज़ी से जो है बढ़ी रहा है एक तरीके से देखा जाए लॉकडाउन के होने के बाद भी। ठीक है, इसलिए आपको सरकार भी आपसे रिक्वेस्ट कर रही है, ठीक है, और एक हमारी तरफ से भी एक रिक्वेस्ट ही है, आप घर पे ही रहें, ठीक है, और इस बीमारी से लड़ने के लिए एक एकता के साथ जो है लड़ें। चलिए बात करते हैं आपका, और जो ये महामारी जो अमेरिका में, ठीक है, न्यूयॉर्क में क्या है उत्पात एकदम मचा के रख दिया है। ठीक है, काफ़ी वहाँ के जो केसेस हैं बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। ठीक है, और इसीलिए इसमें जो है जो ये 66 वर्षीय ब्रह्म कांची बोटला थे यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया के एक संवाददाता थे जिनकी जो है निधन हो गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने ABB लिमिटेड के पावर ग्रिड व्यवसाय में 80.1% शेयर पूंजी प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI हैज़ अप्रूव्ड द प्रपोजल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी टू एक्वायर 80.1% शेयर कैपिटल इन पावर ग्रेड बिजनेस ऑफ ABB लिमिटेड। तो ये जो है किसके द्वारा जो है ये कंपनी द्वारा जो ये प्रस्ताव है मंजूरी दी गई है, जो अगर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है, ठीक है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये जो ABB लिमिटेड के जो पावर ग्रिड व्यवसाय में
आपका जो है ऑप्शन नंबर बी हिटैची, ठीक है, उसमें जो हिटैची के द्वारा जो है 80.1% हिस्सेदारी के प्रस्तावित अधिग्रहण को क्या है मंजूरी दे दी है, और साथ ही प्रस्तावित इस संयोजन में एबीबी जो लिमिटेड है उसकी मैनेजमेंट होल्डिंग और एजी एबीबी के प्रबंधन में हिटैची को क्या है इसके द्वारा जो है 80.1% शेयर पूंजी के अधिग्रहण की क्या है परिकल्पना किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका वार्षिक कारगा उत्सव समारोह निषिद्ध है, कारगा त्यौहार मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है। ठीक है, जो वार्षिक कारगा उत्सव जो है इस क्या कर दिया गया है इसको जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, और ये मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है आपका ये जो है कारगा, ये आपका ऑप्शन नंबर सी आपका जो है कर्नाटक में मनाया जाता है, जो कि वहाँ के जो DCP हैं मध्य कर्नाटक के, उन्होंने कहा कि बेंगलुरु के जो है कारगा शक्ति तीर्थ से मनाना प्रतिबंधित कर दिया गया है। जो कारगा कर्नाटक का सबसे पुराना और व्यापक रूप से मनाया जाने वाला त्यौहार है, और यह जो है देवी शक्ति के सम्मान में मनाया जाता है। त्यौहार बेंगलोर के प्रसिद्ध धर्म स्वामी मंदिर में जो है आयोजित किया जाता है। ठीक है, जो वार्षिक जो कारगा उत्सव जो है कहाँ मनाया जाता है आपका कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं इस तरीके से लोग सेलिब्रेट करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट लिखा हुआ है आपका मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने COVID-19 से लड़ने के लिए विचारों को आमंत्रित करने के लिए किस नाम से एक चुनौती की है। द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ चैलेंज नेम्ड एज इनवाइट आइडियाज टू फाइट COVID-19। तो ये कौन है, तो बताइए जो है किस नाम से एक ऑनलाइन चैलेंज शुरू किया गया है। समाधान नाम से जो है एक चैलेंज शुरू किया गया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा, और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के इस इनोवेशन सेल ने छात्रों को क्या है नवाचार करने और कोरोना वायरस महामारी और इस तरह की अन्य आपदाओं का जो है तुरंत समाधान करने की क्षमता के लिए जो है इस परीक्षण करने के लिए इस ऑनलाइन चैलेंज का शुरुआत किया गया है, जिसका नाम समाधान है। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इस समाधान नाम से जो है स्टार्ट किया गया है, और इस चुनौती में भाग लेने वाले छात्र कोरोना वायरस महामारी और ऐसी अन्य आपदाओं के तुरंत जो त्वरित समाधान के लिए क्या है सरकारी एजेंसियों और स्वास्थ्य सेवाओं अस्पतालों और अन्य सेवाओं के लिए क्या है उपलब्ध कराए जाने वाले उपायों की खोजेंगे और विकसित करेंगे। इसीलिए जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने क्या किया है जिस चुनौती का नाम जो शुरुआती जो जो ये इस चुनौती का शुरुआत किया गया है उसका नाम क्या है समाधान। तो चलिए बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट। ठीक है ना, चलिए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है कि किसान वैज्ञानिक वल्लभ भाई वासरा भाई मारवानिया द्वारा विकसित जैव विविधतापूर्ण मधुबन किस्म स्थानीय किसानों को लाभान्वित कर रही है। बी मधुबन जैव विविधता वाली किस्म है, जो ये जो है मधुबन जैव विविधता वाली किस्म है बायो फोर्टिफील्ड मधुबन वैरायटी डेवलप्ड बाई फॉर्मर साइंटिस्ट वल्लभ भाई वासराम भाई मारवानिया इज बेनिफिटिंग लोकल फार्मर्स, मधुबन इज द बायो फोर्टिफील्ड वैरायटी ऑफ। ये जो है किसकी वैरायटी है, जो मधुबन जो है ये किसकी वैरायटी है आपकी जैव विविधता वाली कैरेट गाजर की क्या है वैरायटी है। मधुबन जो है गाजर जूनागढ़ जिले के जो गुजरात के एक किसान वैज्ञानिक है जिनका नाम है श्री वल्लभ भाई वासरा भाई मारवानिया के द्वारा जो है विकसित किया गया है, जो उच्च जो हाई लेवल का क्या है बीटा कैरोटीन और लोहे के साथ जो एक जैव विविधतापूर्ण गाजर क्षेत्र में जो है लगभग 150 से अधिक स्थानीय किसानों को क्या है लाभ प्रदान कर रही है, और पिछले 3 वर्षों से जो है लगातार इसके दौरान जो है गुजरात महाराष्ट्र राजस्थान पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में लगभग 1000 हेक्टेयर से भी अधिक भूमि में इस विभिन्न प्रकार की जो है खेती को की जा रही है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस
देश ने हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को अपनी फंडिंग रखने का फैसला किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ रिसेंटली डिसाइडेड टू पुट ऑन होल्ड इट्स फंडिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। तो ये जो है किसने किया है, ये आपको जो किया है अमेरिका ने किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को वित्त पोषण प्रदान करना बंद करेंगे, क्योंकि उन्होंने वैश्विक संगठन पर चल रहे कोरोना वायरस महामारी के दौरान चीन पर जो केंद्रित होने का आरोप लगाया है। इसलिए वो क्या अपनी फंडिंग को क्या करेंगे, ये रखने का फैसला करेंगे, मतलब बंद करने का फैसला करेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं WHO की। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, और इसके हेड कौन है, टेड्रॉस करके जो है इनका हेड है। और इसकी स्थापना जो कब हुई थी, इसकी फाउंडेड कब हुआ था इसका, 7 अप्रैल 1998 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट। हाँ तो दोस्तों, ये आपका है क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश ने दूसरी संभावित COVID-19 वैक्सीन उम्मीदवार INO 4800 के लिए परीक्षण शुरू किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ विगन ट्रायल फॉर सेकंड पोटेंशियल COVID-19 वैक्सीन कैंडिडेट INO 4800। ठीक है, ऑप्शन है आपके चाइना, USA, स्पेन, इटली। तो आपको जो है आपका राइट आंसर कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ये आपका है क्वेश्चन ऑफ द डे दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें हमारे यूट्यूब चैनल को। ठीक है, बाकी हम लोग कल स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।